हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल जहीन एंड वेलकम टू माय चैनल फूड हाइस्ट, वेयर वी जस्ट डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लेवर्स एंड मेक अनफॉरगेटेबल फूड मेमोरीज। तो आज हम रिव्यू करेंगे देसी खाने का और ये सारा कुछ आज हमारे पास होममेड है, जिसमें हमारे पास है मटन कढ़ाई, चिकन जलफ्रेजी, हलीम, काफ्ता कबाब और काफ्ता राइस। इसके साथ हमारे पास है नान, चटनी, केचप और साथ में कोक। तो आइए खाते हैं। चल फ्रेजी से शुरू करते हैं हम। यार मजेदार, ये बहुत मजे की है। इस पे हमने थोड़ी सी मायो भी डाली हुई है एक तरफ। और ये काफ्ता कबाब इतने मजे के हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना रिच टेस्ट है इनका और सही इस टाइम ना मजा आ रहा है। तो आइए अब ट्राई करते हैं हम अपनी कढ़ाई। बहुत मजे की लग रही है। यार इतने मजे की कढ़ाई है, इतना रिच टेस्ट है इस कढ़ाई का, यार मैं फैन हो गया उस कढ़ाई का। मजेदार यार, बहुत मजे की कढ़ाई। फिर से हम खाएंगे जल फ्रेजी। मायो और केचप के साथ मिक्सचर ट्राई करते हैं हम काफ्ता कबाब का। केचप के साथ जरा स्वीट सा आ जाता, लेकिन कबाब और चटनी का कोई मुकाबला नहीं है। ये फॉर एवर बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो आइए अब हलीम को करते हैं स्पाइसी और ट्राई करते हैं हम ये हलीम।
यार हलीम बहुत मजे की है, जल फ्रेजी भी मजे की है लेकिन थोड़ी सी ड्राई है। ये जूसी होती ना, इसमें कोई ग्रेवी या इस तरह का कुछ होता तो ये ज्यादा मजे की हो सकती थी। बाकी हमारे पास जो मटन है, मटन बहुत मजे का बना हुआ है, लेकिन मुझे चूंकि ऑयल ज्यादा पसंद नहीं है तो वो थोड़ा सा ऑयल के ऊपर आके ना मेरा अजीब सा होता है, लेकिन वैसे टेस्ट वाइज ये बहुत मजे की है। बाकी दोबारा हम जल फ्रेजी खाते हैं। जलफ्रेजी को इसमें डिप करके खाने के साथ बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि वो फिर ड्राई नहीं रहती तो उसका फिर टेस्ट भी मजे का हो जाता है और वो गले से भी इजीली उतर जाती है। अब हम ट्राई करते हैं काफ्ता राइस। यार राइस बहुत मजे के, कमाल। मतलब खड़े हुए राइस हैं और स्टिकी नहीं है, टेस्ट बहुत कमाल। इसमें साथ अंडा डला हुआ है पूरी तरह पका हुआ और कमाल टेस्ट है यार। ऊपर साथ में काफ्ता कबाब और हाथ से खाने का क्या बात है। अब हम रोटी के साथ ट्राई करते हैं। रोटी के साथ पहले हम ट्राई करते हैं हलीम, ग्रीन चिली ऊपर डाल के और ऐड कर देते हैं। हलीम का मजा नान के साथ ही है। अब हम सादी रोटी के साथ ट्राई करते हैं जल फ्रेजी। जल फ्रेजी मजे की हो, रोटी के साथ भी नान के साथ, रोटी के साथ ट्राई करेंगे अब हम मटन कढ़ाई। क्या आवाज है यार, कढ़ाई और साथ में रोटी हो तो क्या ही बात हो जाती है। ये बहुत मजा आया इसका, रोटी हो नान हो लेकिन कढ़ाई के साथ ज्यादा सूट रोटी करती है मुझे। यार ये काफ्ता कबाब का हर चीज के साथ बहुत मजा आ रहा है। दो काफ्ता कबाब एक साथ ट्राई करते हैं, फुल तरह इनको वेट करके सॉसेस में।
चेक करें पहले, आप लोग भी देखें। बहुत मजे के यार। जरा चटनी के साथ राइस ट्राई करते हैं। हाँ, ये चटनी मैंने पहले क्यों नहीं डाली राइस पे यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ये था हमारा आज का रिव्यू, जो कि घर के खाने का था। और बाहर के जितने मर्जी अच्छे खाने हो, घर के खाने की क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए फूड हाइस्ट। आपसे मुलाकात होती है हाइस्ट नंबर 3 में। अब तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।